हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इकोनोमेट्रिक्स के प्रैक्टिकल क्लास में हैं एंड दिस इज़ आवर वेरी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास। इन दिस वी विल बी लर्निंग अबाउट आर सॉफ्टवेयर, हाउ टू यूज़ दिस आर सॉफ्टवेयर। तो बच्चे हमारे कॉलेज में इस बार कर दिया है कि प्रैक्टिकल, वैसे पहले भी था हमेशा हमारे सिलेबस में कि प्रैक्टिकल के थ्रू करना है। इस बार थोड़ा बच्चों में ज़्यादा है वो क्रिएट हो गया कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्या है ये प्रैक्टिकल। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है। तो डीयू के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस में मेनली दो जो हैं वो दो कोडिंग का लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। आप चाहो तो एक्सेल से भी कर सकते हो, स्टेटा से भी यूज़ कर सकते हो, आर भी यूज़ कर सकते हो, फिर ग्रेटेल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेनली जो है वो दो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ वगैरह यूज़ करती है, वो है ग्रेटेल और आर, क्योंकि दोनों फ्री होते हैं, काफ़ी ईजी होते हैं यूज़ करने के लिए। तो ग्रेटेल में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टाइप का यूज़ होता है, आर फिर भी थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है, तो आर को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर आगे मौका मिला तो ग्रेटेल में भी आपको ये लेक्चर्स मिल सकता है, अभी आर के लिए ये लेक्चर बन रहा है। तो आर क्या है? तो आर एक कोडिंग लैंग्वेज है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जान लो कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग जो है ना, हम लोग लैंग्वेज लिखते हैं, जैसे हर इंसान का अपना लैंग्वेज है। इंडिया में कौन कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है? इंडिया में तो खैर बहुत सारे लैंग्वेज बोले जा रहे हैं। अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सो वी आर यूजिंग हिंदी मिक्स्ड विथ इंग्लिश टर्म्स। कोई चाइना से होगा तो चाइनीज़ बोलेगा, कोई अमेरिका से होगा तो वो लैटिन बोलेगा। तो हर लैंग्वेज में वो बात समझ में आती है उन लोगों को। तो कंप्यूटर का भी अपना एक लैंग्वेज होता है, तो कंप्यूटर के लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं कोडिंग। तो अगर हमें कोई चीज़ कंप्यूटर तक सेंड करना है ना मैसेज, तो हम उसको कोडिंग करके भेजते हैं, फिर कंप्यूटर उसको समझता है, फिर उसको ऑपरेट करता है कि ठीक है मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो कंप्यूटर का एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि उसका ब्रेन होता है। उस वो ब्रेन सिर्फ उसका कोडिंग लैंग्वेज ही समझता है। अगर हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो उसको पहले सी का एनवायरनमेंट दे देंगे, वो उस लैंग्वेज के मोड पे चला जाएगा। सी प्लस प्लस करेंगे तो उस पे चला जाएगा, फॉक्स प्रो करेंगे उस पे चला जाएगा, बहुत सारे, खैर आजकल तो बहुत सारे हो चुके हैं। तो वैसे ही हम लोग आर एनवायरनमेंट क्रिएट करके देंगे अपने लैपटॉप को, अपने पीसी को, और वो पीसी उसका कोडिंग समझने लगेगा। तो हर लैंग्वेज का अपना अपना कोडिंग का तरीका होता है। तो मेरा स्टाइल होता है पढ़ाने का कि थोड़ा सा थ्योरी हम पेपर पे करा दें, ताकि थोड़ा सा ना एक बेस माहौल सा तैयार हो जाए, ग्राउंड तैयार हो जाए, फिर उस पर जितना भी अपना करना है काम वो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे, तो एक बेस तैयार रहेगा, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है वो है कि आर सॉफ्टवेयर आपके पीसी में आएगा कहाँ से। तो पहले तो हमें आर और आर स्टूडियो दोनों की जरूरत पड़ती है, अकेला आर काम नहीं करता, आर और आर स्टूडियो दोनों चाहिए, दोनों ही मिलकर के पैकेज हमारे काम करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हाउ टू डाउनलोड आर, हाउ टू डाउनलोड आर। तो चार पांच स्टेप है, उसको आप लिख लो स्टेप को, हाउ टू डाउनलोड आर स्टूडियो। फिर जब आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि कहीं कुछ अटक रहे होंगे। कई बच्चे नहीं होते हैं कंप्यूटर फ्रेंडली, तो अटक रहे होंगे तो फिर उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा कि अरे मैम ने ये स्टेप लिखाया था, मैंने तो ये स्टेप किया ही नहीं। तो पेशेंस के साथ आपको करना है। तो सबसे पहला स्टेप है, जब आप पहला स्टेप करोगे, आप डाउनलोड करने जाओगे कहीं से भी, गूगल से या कहीं से भी, प्ले स्टोर से, आप जहाँ से भी डाउनलोड करना चाहो, तो आप पहले डाउनलोड लिखोगे डाउनलोड आर। जैसे आप लिखोगे डाउनलोड आर, तो उसमें आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी इस तरीके से बना हुआ, दो आ जाएगा आपको दिखेगा स्क्रीन पे। ये हम लोग भी आपको प्रैक्टिकली करके शो करेंगे, अभी पहले थ्योरी थोड़ा सा समझ लो। इसमें लिखा होगा डाउनलोड, पहले लिखा होगा ऊपर में इंस्टॉल आर, और उसके बगल में होगा इंस्टॉल आर स्टूडियो। हमें यही वाला फेस चाहिए, कोई और मत खोलना। तो इंस्टॉल आर स्टूडियो, जब ऐसा वाला पेज दिख जाए, इस पर लिखा होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यहाँ भी लिखा होगा डाउनलोड डाउनलोड एंड इंस्टॉल, और ये होगा डेस्कटॉप फॉर विंडोज, डेस्कटॉप फॉर विंडोज। तो आपको ना पहले इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, फिर आपके पास स्टेप टू आएगा, एक विंडो खुलेगा, उसमें होगा चूज ऑपरेटिंग सिस्टम, काफी कुछ लिखा होगा चूज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे तीन टाइप के होते हैं, एक होता है लिनक्स, फिर एक होता है
मैक जो कि एप्पल के लिए लगेगा, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, और तीसरा होगा विंडोज़। तो ज़्यादातर लोग विंडोज़ में काम करते हैं, जो मैक में काम करेंगे वो मैक में करेंगे अपना विंडोज़, तो हम लोग विंडोज़ को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड आर फॉर विंडोज़, यहाँ पर होगा डाउनलोड आर फॉर लिनक्स, डाउनलोड आर फॉर मैक, डाउनलोड आर फॉर विंडोज़, तो वी विल क्लिक फॉर विंडोज़। उसके बाद से फिर स्टेप थ्री में पूछेगा, वो सबसे पहला ही होगा बेस करके इंस्टॉलिंग फॉर फर्स्ट टाइम, तो आप उसी को क्लिक कर दोगे इंस्टॉलिंग फॉर फर्स्ट टाइम, तो यस। उसके बाद से अपने आप ये वर्जन आ जाएगा, स्टेप फोर में अपने आप ऊपर में लिखा आ जाएगा डाउनलोड आर फॉर विंडोज लेटेस्ट वर्जन करके अपना आ जाएगा, लेटेस्ट वर्जन आर 4.2.2, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। फिर आप स्टेप फाइव में क्लिक करोगे ओपन और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप उसको ओपन करोगे, डाउनलोड होने के बाद से ओपन करोगे एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस, तीन चार पेज खुलेंगे, उस पर नेक्स्ट नेक्स्ट करते चले जाना है, फॉलो इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट का बटन आता जाएगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके सारा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते चले जाना है। उसके बाद से आप जब फिर स्टेप फाइव में आएगा एक इंस्टॉलेशन, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा देन फिनिश बटन हमें दबाना है। देन कौन सा बटन दबाना है? फिनिश बटन दबाना है। हो गया आर का काम कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम लोग सेम लिंक पे जाएंगे। किस लिंक पे जाएंगे? फिर हम लोग लास्ट में सेम लिंक पे जाएंगे जो ये वाला पेज खुला था ना, फिर यही वाला पेज खुल जाएगा वापस में डाउनलोड आर वाले पे। अब हम लोग सेम स्टेप्स प्रोसीजर करेंगे, किसके लिए? सेम फॉर आर स्टूडियो के लिए। देखो आर तो हो गया, इंस्टॉलेशन ऑफ आर तो हो गया, लेकिन आर स्टूडियो भी नहीं हुआ है, तो अब इंस्टॉलेशन ऑफ आर स्टूडियो के लिए भी उसी तरीके से सेम प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करना है, सेम लिंक जा करके, और फिर इसको अब क्लिक करेंगे इस बार डाउनलोड एंड इंस्टॉल, इंस्टॉल आर स्टूडियो। आर स्टूडियो जब करोगे तो आफ्टर डाउनलोड, फिर डाउनलोड होगा, आफ्टर डाउनलोड फिर उसी तरीके से हमें ओपन करना है, आफ्टर डाउनलोड फिर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद फिर फॉलो करेंगे इंस्ट्रक्शंस जो भी दिया होगा, जो भी बटन वगैरह क्लिक करने के लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत सारे बटन आएंगे, नेक्स्ट हमें दबाते चले जाना है। फिर नेक्स्ट के बाद से फिर इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल के बाद से क्या कर देंगे हम लोग? फिनिश कर देंगे, तो हमारा आर और आर स्टूडियो दोनों हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है हमारे पीसी पे। उसके बाद से फिर आपको बाहर निकल जाना है और बिल्कुल नीचे कंप्यूटर में नीचे में जो सर्च बार होता है ना, जहां हम सारे अपने ऐप्स या जो भी फंक्शन होता है पीसी का, जो भी हम सर्च करते हैं, तो फिर आपको सर्च पे जाना है, लास्ट स्टेप है ये स्टेप सेवन था, तो स्टेप एट, इसमें आपको सर्च बार पे जाना है और सर्च बार में जा करके आपको आर स्टूडियो सर्च करना है। आर स्टूडियो सर्च करोगे तो सीधा आपके सामने चार क्वाड्रेंट खुल जाएगा, चार व्यू टाइप का ऐसे क्वाड्रेंट खुल जाएगा। ठीक है, ये कोडिंग एरिया होता है जहाँ पे हम आर स्क्रिप्ट यूज करते हैं, कोडिंग एरिया होता है ये। यहाँ पे कंसोल और दो तीन टैब बने होते हैं, कंसोल और फिर और भी टैब बने होंगे। ये आउटपुट होता है, आउटपुट मतलब वॉट एवर कोडिंग वी आर यूजिंग हेयर, इसका रिजल्ट यहाँ दिखेगा कि क्या हो रहा है। हमारा कोडिंग सही है तो सही रन करेगा। रन करने का मतलब होता है, बच्चे बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, यहाँ पे एक रन का बटन होता है, रन हम बार बार हर कोडिंग के बाद रन दबा करके देखते हैं कि हमारा कोड सही है या नहीं, कहीं कुछ कैपिटल लेटर, हर चीज़ का एक फॉर्मेट फिक्स किया हुआ है कि अब एक ब्रैकेट ही आएगा, अब लेस देन का ही साइन आएगा, अब एक इक्वल टू का साइन आएगा, इन्वर्टेड वो जो कॉमास आते हैं वो भी आएंगे, तो सब कुछ का फॉर्मेट फिक्स है। कुछ चीज़ें तो हम लोग आपको लर्न कराएंगे, लेकिन अब आप कहोगे मैम ये हम लोग तो आए थे इको ऑनर्स पढ़ने, इको ऑनर्स में एक तो आ गया इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आ गया कोडिंग, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना तो समझते हो कि इको ऑनर्स के बच्चों को कोडिंग तो नहीं सिखाया जाएगा,
और कोडिंग सिखाना, एक कोडिंग में ही 3-4 महीने लग जाते हैं बच्चे सीखने में, तो फिर बच्चा इकोनॉमिक्स में इतने सारे पेपर पढ़ेगा कैसे? तो कॉलेज वाले एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं कि आप आराम से थोड़ा थोड़ा सीख सको, और वो थोड़ा हेल्प भी सपोर्ट भी मिलता है कॉलेज की तरफ से, तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। आपको जब जब लैब करने का मौका मिले, आपको बुलाए, तो आप अपना पीसी लेकर के जाएं, और वहाँ पे टीचर होते हैं टेक्नीशियन जो कि काफ़ी इसमें पूरा मतलब ये लेकर के आए होते हैं, अपना ट्रेनिंग लेकर के आए, तो वो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन हर कॉलेज इस बात को समझता है, तो मतलब वो इस बात को कंसीडर करेगा कि बच्चों को कोडिंग नहीं आती है, वो लास्ट में आपको फाइल सबमिट करने का देंगे। जैसे हमारे साइंस के एग्जाम होते थे, तो 75 मार्क्स का पेपर होता था या 70 मार्क्स का, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के लगते थे बोर्ड एग्जाम में। तो 30 मार्क्स के लिए जितने प्रैक्टिकल रिक्वायर्ड थे, जरूरी नहीं कि हर स्कूल वाले ने सारे प्रैक्टिकल कराए होंगे, कुछ प्रैक्टिकल एक दो छूट गया होगा, और लास्ट में हमें फाइल सबमिट करना होता था। वैसे ही यहाँ पे भी आपको फाइल सबमिट करना होगा कि आपने किस मतलब क्वेश्चन के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग की है, तो वो उतना आपको आ जाता है। तो फाइल सबमिट करने की मेन बात होती है, तो कॉलेज वाले इसमें कंसीडर करते हैं, इसलिए बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो। और बहुत ही यूजर फ्रेंडली बनाया गया है, आप खुद से भी 2-4 क्लास, जैसे ही मेरा हेल्प मिलेगा आपको, आप खुद ही उसमें दौड़ पड़ोगे। मतलब हल्का सा बस चलने का एक होता है ना, जैसे स्विमिंग सीखते हो, एक बार बस पानी पे फ्लोट करने का तरीका बता दो, उसके बाद से तो आप सारे स्टाइल सीख जाते हो जितने भी होते हैं। तो वही चीज़ बस मुझे आपके साथ कर देना है। तो ये हो गया कोडिंग का विंडो जो खुलेगा, ये हो गया कंसोल का, यहाँ पर आपको दिखेगा अगर आपने कोई कोडिंग गलत की है, क्योंकि हर कोडिंग का अपना फॉर्मेट होता है, हर लैंग्वेज की अलग अलग कोडिंग की फॉर्मेट होती है, तो यहाँ पर एरर दिखलाने लगेगा, रेड कलर से मैसेज आने लगेगा, तो फिर आप थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस करके एरर को आप ठीक कर सकते हो। तीसरा है आपका इधर इन्वायरमेंट व्यू। इन्वायरमेंट व्यू में जो मेन मेन चीज़ें हैं जो कि आपका आउटपुट है या जो आप रिजल्ट रखना चाहते हो, वो यहाँ पर आपको दिखलाता रहता है। लास्ट में यहाँ पर होता है प्लॉट, और बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं जिस फंक्शन को फॉलो करता है, मतलब ग्राफ वगैरह देखना है तो यहाँ पर ग्राफ सब दिखता है। तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन का अपना, और फंक्शन चूज करने का पैकेज, पैकेज बोलते हैं यहाँ पे फंक्शन को ना, पैकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे, पैकेज। तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज वगैरह के लिए, हेल्प के लिए इनका अपना बना हुआ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर भी है, जो कि हेल्प में आपको काफ़ी कुछ हेल्प करता रहता है, और इजी है यूज़ करना। 1-2 क्लास तक थोड़ी झिझक होती है, उसके बाद से फिर यूज़र फ्रेंडली है, आसानी से समझ में आने लगता है। तो समझ में आ गया बच्चे, आर स्टूडियो 4 क्वाड्रेंट में खुलेगा, 4 क्वाड्रेंट आप इसको चाहो तो ऐसे स्क्रॉल होता है, माउस का यूज़ कर रहे हो, या फिर अपने अपने लैपटॉप पे फिंगर से लेफ्ट में प्रेस करके और फिर ऊपर नीचे कंट्रोल, आप जैसे करते हो अपना पेज अप डाउन, वैसे भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, किसी का भी व्यू बड़ा छोटा कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो ये तो इतना समझ में आ गया, ये जब खुल जाएगा तो फर्स्ट क्लास में, प्रैक्टिकल क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वोल्टेज का एग्जाम्पल 2.3, अगर आपको याद होगा तो पढ़ाया हुआ है एग्जाम्पल 2.3, तो उसी एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। अपना जाना पहचाना अगर एग्जाम्पल ले ले तो काफ़ी कॉन्फिडेंस रहता है और हेल्प भी मिलता है। एग्जाम्पल 2.3 जिसमें कि सीईओ सैलरी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप देखना सीईओ सैलरी को रिग्रेस करा रहा है β1 प्लस β2 आरओई पे। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी लाइक इट्स लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी आपकी जो बुक में है चैप्टर 2 में वुलड्रिज में, उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल लिया है, लेकिन आपको पता है कि इसमें कितने सारे वेरिएबल हैं? इसमें बहुत सारे वेरिएबल हैं। इसमें क्या है, बहुत सारे वेरिएबल है, जब स्क्रीन खुलेगा तो पता चलेगा कि कितने वेरिएबल है। अराउंड 12 वेरिएबल्स होंगे इसमें, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं, जब खुलेगा तो सामने में सब कुछ आ ही जाएगा, देख लेंगे। बहुत सारे वेरिएबल हैं इसमें, लेकिन हमारे चैप्टर 2 में सिंस वी आर रीडिंग ओनली अबाउट लीनियर रिग्रेशन, इसलिए सीईओ सैलरी को खाली आरओई पे कराया है बस। तो यही 2 हमें दिख रहे हैं, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पे पूरा डेटा हमारे पास होगा। अब पूरा डेटा आएगा कहाँ से? तो सुनो, अब हम लोग इस एरिया की बात कर रहे हैं, किसकी, कोडिंग की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें कोडिंग लिखना है, कोडिंग एरिया। तो एक न्यू हम लोग आर स्क्रिप्ट खोलते हैं, न्यू आर स्क्रिप्ट खोलेंगे, एक पेज आ जाएगा, उसमें
सबसे पहले तो इसको किसी डेटा से कनेक्ट करना होगा कि किस डेटा पे आप काम करना चाहते हो, किस डेटा पे आप काम करना चाहते हो। सबसे पहले हमें वो डेटा चाहिए। डेटा आएगा कहाँ से? अब आर स्क्रिप्ट जो आपने खोला है, हमारे पास तो डेटा हजार टाइप के हो सकते हैं, हजार एग्जांपल हो सकते हैं इकोनोमेट्रिक्स में, लेकिन उसी डेटा से सब कुछ ये एक्सट्रैक्ट कर करके लाएगा, उसी डेटा को रेफर करेगा, उसी डेटा पे सारा कैलकुलेशन करेगा, उसी डेटा पे सारा फंक्शन करेगा। इसके लिए पहले हमें इसको समझाना पड़ेगा, इसके पास बिल्कुल भी ब्रेन नहीं है, इसको सारी बातें हमें सिखानी पड़ती है। हम तो देख करके समझ जाते हैं कि अरे ये तो वोल्टेज का एग्जाम्पल है, लेकिन लैपटॉप तो ऐसे नहीं करता ना, कंप्यूटर तो ऐसे नहीं करता, उसको बताना पड़ता है, उसको एड्रेस प्रॉपर देना पड़ता है कि आपको यहाँ जाना है। तो सबसे पहला इसमें काम जो होगा, मेरा स्टाइल अलग है, थोड़ा सा हम थ्योरी करा देते हैं, फिर इन्हीं चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली भी करेंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो न्यू आर स्क्रिप्ट में सबसे पहले एक चीज़ आप जान लो कि जब हम लोग ऐसे लिखेंगे ना हैश टैग दे करके कोई भी चीज़, तो हैश टैग के बाद जो भी आप लिखते हो, दिस इज ओनली कॉमेंट एंड दिस इज नॉट फॉर कंप्यूटर माइंड सॉफ्टवेयर, उसके पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ये कुछ नहीं है, दिस इज ओनली फॉर नोट मेकिंग, जो हम लोग नोट बनाते हैं ना, नोट मेकिंग और आवर रेफरेंस, कंप्यूटर हैज नथिंग टू डू विथ दिस। फिर तो आपको जो जो स्टेप करने जा रहे हो उसको आप लिख दो, ताकि आप जब दोबारा खोलो तो आपको समझ में आए कि आपने किया क्या था, या ये कमांड किसके लिए यूज़ हो रहा है। नोट मेकिंग फॉर आवर रेफरेंस एंड टू स्पेसिफाई पर्पस ऑफ कमांड, स्पेसिफाई पर्पस ऑफ कमांड, जो कमांड हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले हैशटैग दे करके एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। जैसे देखो हम लोग लिख रहे हैं स्पेसिफाई लाइब्रेरी, लाइब्रेरी मतलब अगर हम इसको अपने डीयू के लाइब्रेरी का सारा नॉलेज भर दें आर स्टूडियो के अंदर, तो आर स्टूडियो के अंदर डीयू के हर बुक का सारा नॉलेज आ जाएगा, लेकिन सिर्फ इकोनोमेट्रिक्स का चाहिए तो इकोनोमेट्रिक्स का लाइब्रेरी उसके अंदर डाल देंगे। इकोनोमेट्रिक्स में भी सिर्फ हमें एक वोल्टेज बुक का लाइब्रेरी चाहिए तो हम खाली वोल्टेज बुक का ही लाइब्रेरी डालेंगे। अब ये समझ जाएगा कि इसको कहाँ कहाँ जाना है सर्च करने हर चीज़ों को। तो हम लोग जो स्पेसिफाई करने जा रहे हैं लाइब्रेरी को, जो भी कमांड होगा उसको जनरली हम ग्रीन कलर से लिखेंगे, तो आप ध्यान दें कमांड में, तो इंस्टॉल ये कमांड हो गया, ये वन होगा, ऐसे नंबरिंग आएगा लाइन्स का, ठीक है। तो हैशटैग नहीं है इसके पहले, तो ये क्या है, कमांड है इंस्टॉल पैकेजेस, और ये जब आप टाइप करोगे ना तो ये अपने आप आ जाएगा इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ये अपने आप आ जाता है उसमें लिखा हुआ। आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे फिर आपको नाम देना होगा वोल्ड्रिज, क्योंकि आप किसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, वोल्ड्रिज का डेटा उठाना चाहते हो, तो इंस्टॉल डॉट पैकेजेस वोल्ड्रिज, वोल्ड्रिज का पैकेज ले लेगा ये। इसने समझ तो लिया लेकिन अभी इसने लाइब्रेरी में सेट नहीं किया, इसने ढूंढ तो लिया लेकिन इसने उस चीज को एक्वायर नहीं किया है। तो अब एक्वायर करने के लिए लाइब्रेरी, जैसे ही हम लोग कमांड देंगे ना कीवर्ड लाइब्रेरी वोल्टेज, अब इसने वोल्टेज को पूरा एक्सप्लेन कर दिया और पूरा वोल्टेज का हर चीज अरेंज कर दिया अपने पास। एक होता है आप शॉप पे चले गए आपने, एक होता है आपने बुक खरीद ली और बुक को पढ़ के हर चीज़ लर्न कर लिया, सो इट्स लाइक द सेम वे। यहाँ पर आपने बस वोल्टेज की बुक खरीद ली है, लेकिन यहाँ पे अब आपको सारी जानकारी हो गई कि वोल्टेज के अंदर क्या क्या है, ठीक है। मैंने जानबूझ करके अपने बुक का ही एग्जाम्पल लिया ताकि आप उसको ज़्यादा कोरिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये कमांड हो गया। इस कमांड के बाद अब आप समझ जाना कि आपके आर स्क्रिप्ट में अभी जो आर पैकेज आप यूज़ कर रहे हो उसने किसका एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है, वोल्टेज का एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया है। अब फिर नेक्स्ट कमेंट है चूज डेटा सेट। एक बार मेरा सजेशन होगा कि आप वोल्टेज का चैप्टर टू का एग्जांपल, वी आर राइट नाउ डूइंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड वी आर रेफरिंग एग्जांपल 2.3 ऑफ वोल्टेज, आपने एक बार इसको पढ़ लो, एक पेज है, वन पेज है, 80% है, आप इसको पढ़ लो तो आपको कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ पता लग जाएगा। तो चूज डेटा सेट, और उसमें डेटा सेट दिया हुआ है, आप साफ साफ पढ़ोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है सीईओ सैलरी, सीईओ सैलरी वन डेटा। वोल्टेज के पास ना 115 डेटा हैं,
वोल्टेज के पास 115 डेटा हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, उसमें से हम सिर्फ एक डेटा को कॉल करवा रहे हैं सीईओ सैलरी वन, क्योंकि वही सिर्फ इस एग्जांपल के लिए रिक्वायर्ड है। उसका डेटा अपने आप आ जाएगा इसके पास। तो उसके लिए कमांड क्या होगा? उसके लिए ग्रीन कलर से मैंने कहा हमेशा कमांड लिखेंगे, तो डेटा सीईओ सैलरी वन, इसमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे ही डेटा टाइप करोगे ना, बगल में आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट कर दोगे पॉइंटर से, वो वहां पे पेस्ट हो जाएगा, उसके अंदर में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में बस आपको सीईओ सैलरी वन टाइप कर देना है। फिर अब आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या मैंने सही डेटा ले लिया है या नहीं, तो एक बार उस डेटा को देख भी लें कि उस डेटा में है क्या। तो व्यूइंग डेटा इन डिटेल्स एक बार लिख लेंगे ना, फिर करने में बड़ी जल्दी हो जाएगा, टाइम बचता ही है हमारा, टाइम ज्यादा नहीं लगता है। अब व्यू करने के लिए क्या कमांड है? तो व्यू ही है, है ना, यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल। डेटा है तो डेटा वर्ड ही है, व्यू है तो व्यू ही है। तो ये बिल्कुल यूजर फ्रेंडली कमांड बनाया गया है। जैसे ही आप व्यू टाइप करोगे, व्यू, वो पूछेगा किसको व्यू, तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा सीईओ सैलरी वन, वो तुरंत इसको व्यू कर देगा और आपको आउटपुट में दिखने लगेगा। एक और पेज खुल जाएगा इसी आर स्क्रिप्ट के बगल में, व्यू सैलरी सीईओ सैलरी वन, आपको सारे डेटा दिखने लगेंगे। तो आपको दिखेगा कि हेडिंग इसमें सिर्फ आरओई नहीं है, 12 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सैलरी है, आरओई है, बहुत सारी चीजें हैं। ये जब हम लोग देखेंगे स्क्रीन पे सब कुछ आएगा, तब देख लेंगे कि कितने हैं और कितने डेटा हैं, ये भी पता लग जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट है समरी। समरी हम लोग यूज करते हैं, तो लर्निंग टू यूज समरी कमांड, आप इसको लिख लो कहीं पे रजिस्टर में, क्योंकि यही सारा प्रोसेस हम लोग टाइप करेंगे। ये जो यहां से जो शुरू हुआ है ना, यहां से ये सारा कुछ इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है हमें। तो क्या करना है अगर पता है, तो फिर वहां टाइप करते वक्त दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो लर्निंग टू यूज समरी कमांड, समरी, समरी में सारा डेटा आ जाता है, तो वो जब करेंगे तो पता लगेगा कि कैसा दिख रहा है समरी। ठीक है, ठीक है। एक और होता है, आपने जब समरी सीईओ सैलरी वन किया तो ये सारे डेटा को दिखलाएगा, लेकिन अगर खाली समरी, ध्यान से सुनो, सीईओ सैलरी वन और एक डॉलर का साइन बनाना होगा शिफ्ट के साथ, ऊपर में नंबर की में टू या थ्री है, वो देखना पड़ेगा। डॉलर का साइन जैसे ही बनाओगे और फिर लिखोगे सैलरी, तो सीईओ सैलरी के अंदर 12 हेडिंग थे, उसमें से सिर्फ ये सैलरी का जो है वो समरी दिखलाएगा। समरी में सारा कुछ शो कर देगा कि क्या क्या उसके वैल्यूज हैं। उसके बाद से कैलकुलेटिंग, कैलकुलेटिंग सर्टेन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलेटिंग सर्टेन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स किसको कहते हैं बच्चे? मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, इन सबको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, ऑफ सैलरी एंड आर ओ ई, आर ओ ई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें भी हैशटैग लगा हुआ है, तो ये आपका कंप्यूटर नहीं समझ रहा है, कंप्यूटर नहीं समझ रही है, हमारे देखने के लिए कि हम क्या फंक्शन करने जा रहे हैं, हम क्या स्टेप करने जा रहे हैं, ये हमारे खुद के समझने के लिए। जैसे ये कमांड, ये समरी लिखा तो क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ लर्निंग टू यूज समरी कमांड। ये व्यू लिखा है ये कमांड, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो व्यूइंग डेटा इन डिटेल्स। तो ये सब समझने के लिए, खुद के लिए। ग्रीन वाला कंप्यूटर समझेगा, बाकी नहीं समझेगा। तो अब हम ग्रीन में इसके लिए कमांड दे रहे हैं, लाइक मीन सीईओ सैलरी वन, फिर डॉलर का साइन और सैलरी। मतलब ये तो एड्रेस हो जाता है कि हमें किस डेटा को रेफर करना है, उस डेटा को रेफर कर दिए तो उसके अंदर से कौन सा हेडिंग उठाना है, तो सैलरी। तो ये मीन का सैलरी शो करेगा। फिर आ रहा है जैसे मीन सीईओ सैलरी वन, और ये ब्रैकेट अपने आप खुल जाते हैं, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि मीन के बाद ब्रैकेट लगाना है, वो आ जाता है सिंबल बना हुआ, आर ओ ई, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सीईओ सैलरी वन आर ओ ई,
फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, सीईओ सैलरी वन, सैलरी का भी ऐसे आप मीन मीडियन मोड कुछ भी निकाल सकते हो, मीडियन मोड मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी, जितनी भी चीजें आपको है, चार पांच चीजें हैं वो सब आप निकाल सकते हो। लाइक मैक्सिमम तो सीईओ सैलरी वन सैलरी, ठीक है, मिनिमम रेंज कुछ भी, इस तरीके से सेम टू सेम कॉपी करते चलो, सब आता जाएगा। ये हो गया, तो ये सब कुछ कमांड है जो कि आपको आना चाहिए। उसके बाद से आता है, इतना हो पाएगा एक एक क्लास में, ठीक है? बस एक ग्राफ तक बता देते हैं, फिर ग्राफ में क्या क्या चेंजेस होगा ना ये जब बताएंगे तब आएगा, ठीक है? तो यहां देखो, अब नेक्स्ट है प्लॉटिंग ग्राफ, तो हैशटैग दे देते हैं प्लॉट रिलेशनशिप बिटवीन सैलरी एंड आरओई। देखो इसके लिए कमांड क्या होगा, कमांड होगा प्लॉट, प्लॉट आप जैसे ही करोगे ना आपको बगल में खुल जाएगा प्लॉट एक्स वाई, स्क्रीन पे शो करने लगेगा। मतलब पहले एक्स कोऑर्डिनेट पे जो चीजें आपको डालनी है उसको डालना पड़ेगा, और फिर जो वाई पे है उसको डालना पड़ेगा। तो एक्स पे आप किसको डालना चाह रहे हो, सीईओ सैलरी वन का कौन सा हेडिंग, इसमें बहुत सारे वेरिएबल है ना, किस वेरिएबल को डालना चाह रहे हो, तो इस डेटा सेट का डालेंगे हम आरओई एक्स पे। आरओई पे सैलरी को डिपेंड कराना चाह रहे हो तो सीईओ सैलरी वन आरओई, फिर सीईओ सैलरी वन, और फिर क्या आ गया सैलरी। तो याद रखना ये एक्स है और ये वाई है, तो ये ग्राफ बना देगा हमारा, ग्राफ बना करके शो कर देगा, स्कैटर प्लॉट देगा ये कैसा देगा, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट आपने पढ़ा हुआ ना डिवोर में, स्कैटर प्लॉट ऐसे बना करके दे देगा कुछ, ठीक है, दिखने लगेगा आपको। यहां पर लिख देगा आर ओ ई, यहां पर लिख देगा सैलरी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है? और हम इसको लेबल करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, लेबल करना चाहते हैं, तो प्लॉट सीईओ सैलरी वन, फिर आर ओ ई कॉमा सीईओ सैलरी वन सैलरी, अब मेन इज इक्वल टू लेबल्ड प्लॉट बनाना चाहते हैं, मतलब यहां पर कुछ नाम आ जाए, यहां पर कुछ नाम आ जाए वो लिखना चाहते हैं डिस्प्ले में। और ये डिस्प्ले कहाँ होगा ग्राफ का, तो मैंने आपको बताया था कि ग्राफ का डिस्प्ले होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे दिखेगा, कुछ एरर होगा तो यहाँ पर रेड कलर से शो करता रहेगा, लेकिन आपको कोडिंग लिखना है इसी एरिया में। तो मेन हो गया लेबल्ड प्लॉट, लेबल्ड प्लॉट को ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में डालना है, फिर कॉमा, फिर आप करोगे एक्स लेबल, मतलब एक्स लैब इज इक्वल टू क्या, एक्स पे क्या डालना चाहते हो, लैंग्वेज यूज करना चाहते हो रिटर्न ऑन इक्विटी, आप जो लैंग्वेज लिखोगे वही वहां पे प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। वाई लैब पे क्या डालना चाहते हो, लॉग ऑफ सैलरी, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, लॉग ऑफ सैलरी या कुछ भी, सैलरी ऑफ सीईओ एम्प्लॉयज यही प्रिंट करा दो, सैलरी ऑफ सीईओज, ठीक है, सीईओ की सैलरी। तो ये वही, तब ये जो ग्राफ बनाएगा स्कैटर प्लॉट जो भी शो करेगा उसमें यहां पर लिख देगा रिटर्न ऑन इक्विटी, इधर सैलरी ऑफ सीईओ ये शो कर देगा, ठीक है? थोड़ा सा और ग्राफ में हम लोग, ये ग्राफ ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ क्या बनेगा, ब्लैक एंड व्हाइट ग्राफ बनेगा, तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाना चाहिए था, रुक जाओ ताकि आपको याद रहेगा, इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट ही बनाते हैं। कलरफुल बनाने के लिए कमांड देना पड़ता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट बना देगा, यहाँ लिख देगा आर ओ ई, यहाँ लिख देगा सैलरी, बस
लेकिन मुझे और इन्फॉर्मेटिव बनाना था तो ब्लैक एंड वाइट में ही यहाँ लिखना चाहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा। ये हमने लेबल कर दिया ना इसको, रिटर्न ऑन इक्विटी लिख दो, एक्स का लेबलिंग में और वाई के लेबलिंग में सैलरी ऑफ सीईओज लिख दो। तो सैलरी ऑफ सीईओज सेम ग्राफ में आ जाएगा। अब मुझे ब्लैक एंड वाइट ग्राफ नहीं पसंद आ रहा तो कलरफुल ग्राफ बनाना है। मुझे क्या करना है, कलरफुल ग्राफ बनाना है। तो कलरफुल ग्राफ, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है। तो कमांड देखो, कमांड सेम कॉपी कर देना, कॉपी हो जाता है कॉपी और पेस्ट करके, पूरा बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। सीईओ सैलरी वन डॉलर आर ओ ई, सीईओ सैलरी वन डॉलर सैलरी कॉमा मेन इज इक्वल टू लेबल्ड प्लॉट, फिर एक्स लेबल्ड इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी, वाई लैब इज इक्वल टू सैलरी ऑफ सीईओज, अभी खत्म नहीं हुआ है, और फिर एक कॉमा के बाद लिखेंगे कलर इज इक्वल टू ब्लू या रेड, जो भी आप लिखना चाहते हो। मैंने लिख दिया रेड, तो पता है, और फिर बंद करना पड़ेगा, ये रेड कलर का ग्राफ बना देगा। ठीक है, यहां लिख देगा क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसे ग्राफ की दुनिया में बहुत कुछ है, कितना कर लोगे। सैलरी ऑफ सीईओज, आगे चल करके हिस्टोग्राम भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ फंक्शंस के पैकेजेस हमें कॉल करने पड़ते हैं, तो अभी उसको नहीं कर रहे हैं, हिस्टोग्राम को अभी इतना ही कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कलर कर दिया हमने। अगर कुछ और देखना चाहते हो तो वी कैन जैसे गेम नहीं खेलते, कुछ ट्राई करते रहते हीट एंड ट्रायल, वैसे आप हेल्प प्लॉट देखोगे ना तो वहाँ पे सबको एक्सप्लेन किया हुआ रहता है कॉमेंट। वी कैन यूज हेल्प प्लॉट, हेल्प में प्लॉट का आ जाता है, तो वहाँ पे आप अपना देख सकते हो। तो ये हो गया हमारा ग्राफ तक का। उसके बाद से कुछ और बातें हैं, जैसे कि शॉर्ट लिस्ट करना। 12 वेरिएबल हैं, लेकिन मुझे चैप्टर 2 के हिसाब से सिर्फ 2 ही वेरिएबल का डेटा बनाना है, मतलब सैलरी और आरओई पे ही बस बनाना है। ये तो हम लोग जानबूझ करके 2 ही वेरिएबल रख ही रहे हैं ना, अब मुझे पूरे डेटा को ही नैरो कर देना है, बाकी सारे वेरिएबल को उड़ा देना है, उससे एक्सट्रैक्ट करना है सब डेटा, उसको बोलते हैं सब डेटा। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम लोग सब डेटा पे करेंगे, वो प्रैक्टिकल क्लास में ही कर लेंगे, जो हमारा व्यू दिखेगा ना उसी में करा देंगे सब डेटा वाला पार्ट। तो अभी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है सब डेटा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, थ्योरी में कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि मैम क्या कह रही है। तो सब डेटा वाला ऑन स्क्रीन ही बताएंगे, जब उसको रिकॉर्ड करेंगे ना तो ऑन स्क्रीन कैसे सब डेटा क्रिएट करते हैं, उसमें कंडीशन लगाते हैं, लिमिटिंग कंडीशंस लगाते हैं कि आर ओ ई, लिमिटिंग लगाएंगे कंडीशन, ऐसा यूज़ करेंगे हम लोग लिमिटिंग कंडीशन लाइक आर ओ ई, जब 10 से बड़ा होगा सिर्फ उसी डेटा को रखना, बाकी सबको उड़ा देना है। ऐसे ऐसे कुछ होते हैं ना, जैसे उस डेटा से एक अलग सा डेटा हमें अपना निकालना है, तो वैसा डेटा हम लोग बनाना सीखेंगे कंडीशन के हिसाब से। तो ये सब कुछ करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग प्रैक्टिकल स्क्रीन खुलेगा, पूरा स्क्रीन पे सिर्फ प्रैक्टिकल ही होगा, तो सबसे पहले हम लोग आर और आर स्टूडियो दोनों को डाउनलोड करेंगे, खोलेंगे, ये सारे कोडिंग को रन करेंगे। अगर आपने खोला हुआ है, कॉलेज में किया हुआ है क्लास, या आप कुछ बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, बड़ी जल्दी बातों को समझ जाते हैं, तो आप ये सब कुछ खुद से भी कर सकते हो घर पे। नहीं कर सकते तो नेक्स्ट क्लास हमारा इसी पे होगा कि प्रैक्टिकली हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग सीखेंगे बच्चे नेक्स्ट क्लास में। सभी को अपना अपना पीसी के साथ रखना, अभी हो सकता है कुछ बच्चे मेरे सिर्फ मोबाइल पे देख रहे होंगे, तो मोबाइल पे इतना पॉसिबल नहीं है, पीसी होना चाहिए, एंड्रॉयड हो तो बहुत बढ़िया है, मैक होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सब कुछ हम लोग करेंगे, और एग्ज़ाम जो होता है कॉलेज में, मैंने आपको कहा ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मैम ये अलग ही दुनिया में हम लोग एंटर कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कॉर्नर्स पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 2-4 क्लास आप मेरे से ले लो,
दो चार क्लास बाद ही आप देखना कि कितना सब कुछ खुल जाता है, एवरीथिंग विल बी लाइक यूजर फ्रेंडली, फिर आप खुद से भी करने लगोगे और टीचर भी आपको सपोर्ट करते हैं, कॉलेज की तरफ से फुल सपोर्ट होता है बच्चों को, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अभी तो हम लोग इतना लिख भी रहे, इतना कोडिंग कर भी रहे हैं, पता है आगे चल करके मिनी टैब सॉफ्टवेयर आता है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आता है जिसमें एवरीथिंग इज बिल्ड अप, हमें कुछ भी कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आता जाएगा, बस आपको देखना है ऑप्शंस, डॉट डॉट डॉट, क्लिक क्लिक क्लिक, बस काम होता जाएगा, मतलब क्लिक ही सिर्फ करना है, वहां कुछ टाइपिंग करने की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो बेसिक हमें आना चाहिए, ठीक है। तो वही बातें हैं, तो अभी तक के लिए बच्चे इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बी रेडी विथ योर पीसी, एंड ये सारे नोट्स होने चाहिए आपके पास नोटबुक में, क्योंकि यही सारा फंक्शन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, यही सारा स्टेप्स हम लोग फॉलो करने वाले हैं, मैंने जितने भी स्टेप्स आज के क्लास में लिखवाए हैं यही सारे स्टेप्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉलो करेंगे, मैंने जितने भी कमांड लिखवाए हैं ये ग्रीन कलर से जितने भी हैं, ऑल दिस कमांड वी आर गोइंग टू टाइप एंड गोइंग टू सी व्हाट विल बी द रिजल्ट, व्हाट विल बी इन आवर व्यू विंडो, क्या क्या दिख रहा है हमें, ये सारा हम लोग टाइप करेंगे, आपको भी मेरे साथ साइड बाई साइड टाइप करके, और एवरीथिंग वी हैव टू स्टडी इन आवर प्रैक्टिकल क्लास, ठीक है। तो यहाँ तक, और इसके आगे भी पांच छह कमांड हैं, वो कमांड अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे, वो ज्यादा हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके बच्चे। सो बी रेडी विथ योर लैपटॉप इन द नेक्स्ट क्लास, दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय 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 बाय।